सो गाइज अभी शिल्पा और मैं जा रहे हैं अपना हेयर वॉश कराने क्योंकि काफ़ी ऑयल आ रहा है और आज हमें शूट करना है रात को, तो हम तभी जाते हैं जब हमें शूट करना होता है कुछ की हेयर वॉश कराने चलते हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है मेरे पैर में कांटा सा चुभ गया कुछ। गाइज शिल्पा की बहुत बॉडी पेन हो रखा है बेचारी को, कोल्ड को भाई साइनस का आज तो मेरा हाल मत पूछो, मैं पूरा डे सोई हूँ और बस मैं पूरा डे सोई हूँ गाइज क्योंकि मेरी आँखें मैंने सुबह स्नैप भी डाली थी, मेरी आंखें ऐसे मोटी मोटी सूज रही थी, सब कहते हैं कहाँ जल्दी है क्या हो गया आपको, उसकी वजह से मेरी आईज इतनी स्वेल थी। तो अभी मैं साइनस की मेडिसिन भी लेके आऊँगी अपनी और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सर्वर थोड़ी रोज होता है तुझे शिल्पा, मैं वीक हूँ ना अपना इलाज करवाओ डॉक्टर से जाके, मैं ठीक हो जाती हूँ पेडीक्योर कराती। मेरा बहुत मन कर रहा है इसको देख के पेडीक्योर कराने का, पर हाँ नील से एक भैया ने खुद चेंज कर दिया, उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। भाई शिल्पा और मैं आ चुके हैं घर वापस इधर और हम दोनों ने कुछ नहीं कराया, मैं तो हेयर वॉश, ओए तूने हेयर वॉश नहीं कराया, कल कराऊंगी। गाइस का पैर जल चुका है आज इधर वैक्सिंग से, तो अगली बार कोई वैक्सिंग कराए ध्यान से कराना, देख दूख के खुद थोड़ी हम वहाँ लगाते हैं, हम तो देख के ही लेटे होते हैं। अपने नेल्स दिखाओ गाइस को, गाइस उसने फिर से नेल्स चेंज करा लिए मेंटली सिक लड़की ने। मैंने नहीं किया, उन्होंने खुद किए, उन्होंने बोला वो ना वाइन कलर मैम अब हो गए विंटर्स के लिए, 6-7 डेज हो गए विंटर्स में बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने ये कर दो अच्छे नहीं लग रहे का दिन, ऐसा लग रहा है जैसे हल्दी लग गई है तेरे नेल्स पे, सिल्वर पे हल्दी लग गई, पागल है क्या, देखा ये देख, हाँ सही में ऐसे लग रहे हैं सिल्वर पे हल्दी लग गई गलती से, थोड़े टाइम रख लेते हो। अभी हम लोग खाने में क्या बना रहे हैं, आज मैं तेरी हेल्प करना चाहती हूं, आज मैं खाने में बनाऊंगी पागल, आज मैं तेरे को पागल बनाऊंगी यार, आज हेल्प करा देगी तो बहुत कुछ हेल्प कराती हूं आज गाइस मैं इसके खाने में क्योंकि बहुत टाइम हो गया कुकिंग व्लॉग भी नहीं, मैं तो डेली खाना बना रही हूं, कोई मुझे क्रेडिट ही नहीं देता गाइस डेली, चली जा बस चलो, रात को भी इसने फिर अभी क्या खाने का मन है 12:30 बजे इसके लिए कुकर में सीटी, हां क्योंकि ऑन टाइम खाना तो ये बनाते ही नहीं, अब जब बंदा बिल्कुल भूखा मर रहा होता है तब बनाती है। खाने के टाइम पे मैम स्पाइसी नूडल्स लेकर बैठी थी, मैंने नहीं खाया था, मैंने खाया था। अभी चलते हैं कुछ खाना पीना बनाते हैं गाइस और फिर मिलते हैं आपसे। खाना बनाने की बारी आई तो अभी यहाँ आके लेट गई है गाइस, बना दूंगी मुझे भी भूख लग रही है यार, चल फिर आज तू खिला दे, क्या खिला दे, हाँ तू खिला दे हमको कुछ यार। गाइस आईफोन 14 तो ले लिया है लेकिन उस प्रो मैक्स के कुछ भी नहीं मिल रहा, ना स्क्रीन गार्ड मिल रहा है ना कवर मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, अगर किसी की शॉप है या किसी की जान पहचान है तो प्लीज मुझे भेज देना, मैं यूज नहीं कर पा रही उसको, मुझे डर लग रहा है कभी वो मुझसे टूट जाए, तेरी नजर तो कल सी है उसको, तू ले लेना उसे लेके छुट्टी कर, कुछ नहीं चाहिए, करो लक्की करो लेके, चल खाना बनाते हैं आ जा, 2 मिनट तो दे पक्का, 2 मिनट बस ठीक है तेरी शक्ल देख के नहीं लग रहा कि तुझे सिर्फ 2 मिनट ही चाहिए, आज पता है क्या बनाने का मन है, जीरा आलू, ठीक है चल चले टेस्टी वाले, चल आजा बनाए, मेरी फ्रेंड कहेगी तो उठूंगी नहीं तो नहीं, मेरी फ्रेंड इधर है, मेरी फ्रेंड अपना हाथ दो, मेरी फ्रेंड अपना हाथ दो, नहीं दिखा नहीं रही, मेरी फ्रेंड का हाथ आया, अगर मेरी फ्रेंड ने बोला कि हाँ बना ले तो खड़ी हो जाऊंगी, काजल बनाएंगे ना, काजल बनाएंगे, मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी गर्ल्स, मेरी फ्रेंड हाथ ही नहीं छोड़ रही मेरा गाइस, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करूंगी गर्ल्स, खिचड़ी खिचड़ी क्यों खाएंगे हम, खिचड़ी विचड़ी नहीं खाएंगे, सात्विक भोजन, बता मेरी बहन तू क्या खाएगी, काजल आज मजे आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल, मैं हेल्प कर सकती हूँ, 1000 रुपए मैं दही वाले आलू बना सकती हूँ, बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी है, तुम उंगली चाटते रह जाओगे, कोई डिफरेंट चीज भी तो ट्राई कर यार, तूने अपने गाइस को दही वाले आलू दिखाए हैं तो फिर कुछ और दिखा आज, और मैं देखना चाहती हूँ कि तू ये भी तेरा साथ देंगे ना, बना पा रही है या नहीं, बना दे कोई, गाइस मैं आज आपको ये कह रही हूँ कि अगर आज इसने कुछ खाने के लिए बना दिया ना तो जो आप कहोगे वो मैं करूँ, क्या बनाऊँ, नमक की रोटी चाय से, रोटी तो हम खुद बना लेंगे, सब्जी बना दे बस तू, जीरा आलू बना यार, ठीक है, या आलू मटर, अरे अपनी फरमाइश अपने तक रख, सिंपल दाल बना रही हूँ, मटर पनीर बना दे, मैं मंगा रही हूँ पनीर, मटर पनीर, हाँ वेरी टफ वेरी इजी, आज तुझे मटर पनीर का चैलेंज दिया, अगर तूने बना दिया तो तू जीत जाएगी, जा मटर पनीर बना दे, देखी जाएगी यार, चलो ठीक है फिर मैं बनाती हूँ मटर पनीर आज, और नान बना दो उसके साथ, नहीं 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 रोटी खा ले, लच्छा पराठा, नहीं नहीं रोटी खा, रोटी
ठीक है मंगा दे पनीर फिर बनाते हैं। ठीक है पनीर फ्रिज में रखा, डोंट वरी। बासी है वो। अरे भाई तू पागल है, एक्सपायर हो चुका है वो। एक्सपायर नहीं, मैं सब सामान एक्सपायर होने से पहले खा लेती हूँ अब। चलो गाइस फिर बनाते हैं चटर पनीर। ये तो मटर पनीर का सामान नहीं लग रहा। अरे ये तो सामान है। फाइनली गाइस पनीर आ चुका है और मैंने जो जो फरमाइशी थी सामान जो भी समाये थे वो समय आ गया है। वो समय भी आ गया है कि तुझे इस समय पे मटर पनीर बनाना है और हम थोड़ा लेट हो रहे हैं बनाने में। इट्स 12 आई गेस, सॉरी मेरी वर्साची की वॉच में अभी तो 11:10 बज रहे क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात करने लगी थी क्योंकि उनके यहाँ दिन हुआ और मेरे यहाँ रात हुई है। तो मैंने बताया हुआ पहले भी कि मुझे एडजस्ट करना पड़ता है लोगों के चक्कर में। तो अब हम बनाने शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सारी वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ और मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हमें भी तो पता कैसे ग्राइंड करेगी और कैसे कट करेगी। सो गाइज मैंने फाइनली सब कट कर लिया है, गार्लिक भी और 2 अनियंस, 6 टोमेटोज और 4 गार्लिक। हाँ और अभी मुझे थोड़ा सा जिंजर भी डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना। और फिर इसको सीधा मिक्सी में ग्राइंड करना है। मिक्सी नहीं मिल रही यार, उधर ही है, उधर सब जगह देख लिया, प्लीज हेल्प। गोदी ले चलो आपको, मिक्सी ढूंढ के दे जल्दी यार। कागर फिर क्या ही फायदा, अगर तुझे उठाना ही है तो फिर तो एक ही बार ही उठाओ ना। मैंने पूरी जगह मिक्सी ढूंढ ली, मुझे मिली ही नहीं, तो आप ढूंढ के दो। मैंने तो ये निकाल दी है। इतनी गंदगी कर दी तूने एक मिनट में, किचन कहाँ करी है गंदगी, कहाँ बता गंदगी। इतने नीट एंड क्लीन तरीके से सब कट किया है, वो अभी मत हटाओ, मुझे काम है उनसे, सीजर से और नाइफ से। आप अपना दिमाग मत लगाओ इतनी बड़ी मिक्सी में। हाँ सारा इसी में। ये क्या था फिर, ये क्या चीज है यार, तो सब तोड़ेगी, वो अलग कटर है और वो अलग चीज है। क्यों तोड़ूंगी, हाथ लगाती टूट गया सामान। नहीं पहले तो अगर उल्टा सीधा दूसरे के ऊपर ढक्कन लगा दी तो खराब हो सकता है ना। पता नहीं कौन सी बाबा आदम के जमाने की मिक्सी दी है, ढक्कन भी नहीं। सो गाइस फाइनली हमने अपनी कढ़ाई रख दिया और अब इसमें हमें डालना है घी। इतना डाल देती हूँ। ओहो इसमें कैमरे में देखना पड़ रहा है ना, तो उधर नहीं दिख रहा। हम तो कम डालते, हम तो ज्यादा डालते हैं। और डालूं? बस बहुत है। आप मत करो प्लीज। ऐसे तो ज्यादा डालना चाहिए तो और टेस्टी बनता। तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ, हल्का सा और। कढ़ाई क्यों पलटूंगी, तेरे से थोड़ा थोड़ा डाउट है, बर्तन भी उठ पटांग ले रही है। हमने 2 टेबल छींटी पड़ रही है। अभी तो कुछ किया भी नहीं, गीला चमचा डाल दिया उसमें। इसको खोलो तो पहले। इसको इस पे रख दूँ? रख दो, देख लो क्या काम चल रहा है। पीछे हो जा, तेरे मुंह पे तेल लगेगा, तूने पानी डाल दिया उसमें। मैं तेरे साथ बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रही हूँ खड़े होके ना। ये क्यों नहीं खुल रही? बम ब्लास्ट कर दिया इसने। अरे यार पुष्पति खोलना, इतना हाँ डाल दो। हिंग डाल दो, ये डाल दो अब। चलो होने दो, पहले उसको थोड़ा तो भुनने दो दीदी। आराम से आराम से आराम से आराम से। ओह शिट, उसमें पानी डाल थोड़ा सा और उसमें डाल दो। हाँ इसी में पानी डाल। हाँ पहले निकाल तो दूँ जितना निकल रहा है। अब इसमें डल जाएगा गाइस पनीर और बन गई पनीर। मसाले डलेंगे फिर इसको भूनना है, उसके बाद इसमें पनीर डालेंगे। यार ऑब्वियसली मैं फन कर रही हूं। तू बना क्या रही है वैसे? मटर पनीर। मटर कब डालेगी? जब पनीर डलेगा। इसी में ही डाल दे, वो अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। डाल डाल। ये क्या मटर है? फ्रोजन पीस है यार। सारे पूरा डाल दे, बर्फ भी है इसमें तो डाल दे। ये पहाड़ कैसे टूटेगा? अपने आप मेल्ट हो जाएगा। ढकना है इसको? हाँ अभी थोड़े मसाले डालने के बाद इसको ढक देंगे और फिर ये अच्छे से। बस बस मार मत, वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, तब आएगी। इसको मेल्ट होने जाएगा। ठीक है छोड़ दो ऐसे। हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, इधर आओ अंदर आओ मेम साहब। कसकर मैंने क्या चीज मिस कर दी उसमें? अनियन नहीं, मिर्च। तो वो आप पीस के डाल दे, वो तो बाद में भी डाल सकते हो। पक्का? या श्योर। शर्ट वो तो शेफ खड़ी है यार। वो तो मुझे अब याद आ गया, मैंने तुम बिना मिर्च के खाते आज पनीर। छोटे वाली में
ऐसे पीस के, तो लाल मिर्च नहीं डाल सकते? नहीं यार, लाल शरीर के लिए बहुत, मैं फटाफट जा रही हूँ डालने। बाय गाइस, मैं लेट हो गई। तो फटाफट कट कर लिए गाइस मैंने, और अब मैं इनको डालने लगी हूँ उसमें ग्राइंड करके, ऑब्वियसली ऐसे नहीं। काजल रानी, प्लेट में कौन कट करता है? इसमें कट करो ना, ये रखा है यहाँ। अरे तेरे कट के चक्कर में गलत कट लग गए। काजू कतली की कटिंग थोड़ी चल रही है जो बिल्कुल परफेक्ट लाएगी। तो गुजड़े मुचड़न करके डाल दो। हाँ, गुजड़े मुचड़न डाल दे। बन गया है क्या पनीर मेरा? हाँ, यस। अरे कितने पीस करेगी? 1000 पीस करने हैं क्या? बस बहुत है, बहुत है। डाल दो। हाँ, वॉश कर लिया ना? ऑब्वियस यार, डाल डाल। काटने से पहले वॉश ही किया। इससे नहीं, हाथ से करो, हाथ से करो। मुझे हाथ से गिन आती है। गिन की बात नहीं है, उससे छींटे नहीं लगेंगी। आराम से उसको ऐसे ड्रॉप कर दो नीचे। काजल तो बहुत इरिटेटिंग है समटाइम। ऐसे नहीं करते, ऊपर से आराम से करते हैं। हाँ, डाल दो अंदर कढ़ाई में। नहीं, उठा के मुट्ठी से ऐसे डाल दे। तूने कहा 1-1 पीस। यार मैं फिर टाइम लैप्स पे चली जाऊँ लगा के इसको। एक पीस कम हो गया। फाइनली हमारा पनीर तैयार हो चुका है। हल्का सा बॉयल तो करो। यार कच्चा ही खिला दोगी तुम? क्या पनीर बनाया तूने? वो ये देख गिर गया था अभी ए करने से पहले। क्या पनीर बनाया मैंने? क्या आलिशान पनीर बनाया मैंने? ये सबसे गंदी लगती है मुझे, बट शिल्पा चाहती है मैं डालूं तो। यार पागल है, हेल्थ के लिए सब अच्छी होती है, थोड़ी सी डालियो। बस बस बस, हाँ इतनी डालनी है। ये क्या डलवाई तू? क्या पूरा पैकेट डालोगे? चलो रायता बना दे टेस्टी सा। चल चल चल, रोटियां बना तू आज और तंदूर लगा दे। हाय 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 हाय, क्या पनीर बनाया है। अब मुझे लगा ऐसे हो रही है, हाय हाय हाय, अपने पनीर को देख के क्या ही हो रहा है। क्या स्वाद। गाइस तुम भी टेस्ट करो, पहला टेस्ट तुम्हारे लिए, और बताना कमेंट में कैसे खुश हो। मैं पागल हो चुकी हूँ गाइस, सुन इसको बंद कर। मैं पागल कर, मेरा दिमाग चल चुका है। हाँ मैं सही, मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कुछ दिनों से कि मैं पागल हो गई हूँ। या तो मैं ज्यादा खुश रहने लगी हूँ तो मैं थोड़ा हिल गई हूँ ऊपर से। मेरा वैसे ही खेले हुए अच्छे रहते हैं, ज्यादा समझदार वाले बच्चे वैसे भी आगे नहीं बढ़ पाते। मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ ना गाइस आजकल, तो मैं कुछ भी बात करती हूँ। पनीर में मत बैठ जाइए इतनी पीछे पीछे। चेंज करके आइए टॉप। चल मैं नहाऊंगी डायरेक्ट, बस बस कर दूं बंद थोड़ा सा। हाँ वैसे ऑलमोस्ट रिटर्न है, मैं जा रही हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स स्नैप पे वेट कर रहे हैं मेरा कि काजल हमें भी खाने, मैं उनके घर जा रही हूँ इसे लेके। ठीक है। तो साहिल ने खा ली थी ऑलरेडी, पर अब साहिल बताओ टेस्ट करिए कैसी बनी। इसका कैसे, मैंने खा ली थी ऑलरेडी। बताओ ना कैसी बनी है। बहुत टेस्टी। सही बताओ, 10 में से कितने नंबर? 10 में से 11। इतनी सही बनी है? हाँ बहुत टेस्टी। वाओ गाइस, वो फड़ो। आप नहीं खाओगे मेरा पनीर? आप नहीं खाओगे क्या मेरा पनीर? वो फड़ी, इसको भी खिला दो बेचारे को। पर ये अपना खाना खा के बैठ चुका है गाइस। मैंने आज इतना अच्छा मटर पनीर बनाया, इतना अच्छा मटर पनीर बनाया, आपको खाना चाहिए था वुफड़ी। कोई इंटरेस्ट नहीं है वुफड़ी को मेरे। बाय। कैमरा ऑन होते क्यों तूने सजाई है रोटी? मैं तो नॉर्मली भी सजा रही थी यार। इधर लाइटनिंग बहुत बेकार है। लाइटनिंग के क्या, हम ऑपोजिट इधर बैठना चाहिए। कहाँ चल रहा है? चल फिर मैं बना देती हूँ, कोई नहीं बैठी रहे। थैंक्स शिल्पा। हाथ मेरा, हाथ भी जल गया गाइस आज। इसका हाथ भी जल गया, दिखा। पैर भी जल गया, ऐसे नहीं दिखेगा पर यहाँ पे पूरी सैडनेस का माहौल हो चुका है गाइस। जल्दी जल्दी खा के बता, मेरे कैमरे की बैटरी ऑफ होने वाली है। प्लीज गाइस को भी पता है, तूने मेरी सिर्फ हेल्प करी। मटर पनीर के सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? तूने सिर्फ हेल्प करी है मैम। चल फिर भी मेरी बहन ने पहली बार बनाया। जल्दी कर, बैटरी गई। कितना ही टेस्टी है गाइस, मैं बता नहीं सकती तुम लोगों को। मैं भी कर लूं फटाफट टेस्ट। मैंने टेस्ट नहीं किया था, 1 टुक देना प्लीज। और गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने चेंज कर लिया है। सो तुम लोग सोचोगे ट्रांजिशन कैसे हो गया काजल दी आपका। लाइट बड़ी बेकार है इधर, ठीक है। कैसा था ये मटर पनीर? लग ही नहीं रहा इतना टेस्टी कैसे बन गया। क्या ये मटर पनीर बनाया? वाओ आलिशान मटर पनीर। ऐसा मुझे इतना अच्छा खाना बनाना था, मैंने सबसे पहली चीज दही वाले आलू बनाए थे, क्या टेस्टी। और फिर राजमा, क्या टेस्ट। ओ भाई मुझे कुछ, गाइस मैं क्या करूँ यार, मैं ऑलराउंडर गर्ल हूँ। अगर तुम्हें ये व्लॉग अच्छा लगा हो देखने में और मेरे मटर पनीर की रेसिपीज तो मुझे फॉलो करना मत भूलना गाइस। सो गाइस मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तब जब हम व्लॉग कर रहे थे, तो उसके बाद मैं ये बताना चाहती थी आप लोगों को कि अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्या लगाया हुआ है फोरहेड पे। तो गाइस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने चंदन लगाया हुआ है।
और अभी खाना खा लिया हम लोगों ने, अब हम सीधा सोएंगे। और बहुत ही टेस्टी पनीर बना था, पर मैं सच बताऊँ मुझे ना थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगा वो पनीर, मतलब मुझे और चटकारे वाला चाहिए था, वो थोड़ा कॉन्टिनेंटल टाइप हो गया था, बाकी अच्छा था वो। और आज मैंने व्लॉग की मतलब स्टार्टिंग भी नहीं की थी, क्योंकि आज मेरे साइनस की वजह से हालत ख़राब थी गाइस, डेड थी मैं काफ़ी। लेट उठी, लेट व्लॉग डाला, उसके बाद भी मैं सोई दवाई खा के, क्योंकि मेरी आईज इतनी स्वेल्ड थी कि खुल ही नहीं रही थी। मैंने वेलकम भी नहीं किया, मैंने सोचा था मैं बाद में अच्छे से वेलकम करके ऐड कर दूंगी क्लिप, पर मैं कर ही नहीं पाई। फिर हम सैलून चले गए थे डायरेक्ट, भागते भागते गए। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और गाइज मैं इस बुक के हाफ पे पहुंच चुकी हूँ, और तुम लोगों ने अगर रीड कर ली है पूरी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसी थी बुक, कैसी नहीं, और तुम्हें हेल्प हुई इस बुक से या नहीं। और जो लोग न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो न्यू व्यूवर्स हैं, उनको मैं बता देती हूँ इस बुक का नाम है हीलिंग इज द न्यू हाई। और मैं और मेरे ट्रू गाइज हम लोग इकट्ठे मिलकर इस बुक को पढ़ रहे हैं, और रोज हम एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं कि हाँ हमने इतनी पढ़ ली काजल दी, या आपने कितनी पढ़ी हमें बताओ। ये बस ये बताना था। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब अगर, बाय। सानू नेड़े लाला या सिंगुची सटियां दिल दे आ मौमे आदतां ने कबियां थोड़े